Hello, welcome to the Agritopus Academy YouTube channel. As you know, we are covering 10 pages daily from the latest 12th edition Nimrat Sunda book, and additionally we are providing opportunity to participate in a high quality quiz based on the same 10 pages. To join the quiz, click on the link provided in the description to join our General Agriculture Telegram group, and don't forget to subscribe to our channel to stay updated and never miss a video. So without wasting time, let's start our lecture. In today's lecture, we will cover first is method of fertilizer application, second is suitability of fertilizer. इसमें हम पढ़ेंगे कि सॉइल के अंदर हम कैसे कैसे फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं, सिंगल डोज में करते हैं या स्प्लिट डोज में करते हैं। इसके बाद सूटेबिलिटी में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सा फर्टिलाइजर किस क्रॉप के लिए और कौन सी सॉइल कंडीशन के लिए सूटेबल रहता है। नाउ थर्ड इज बायो फर्टिलाइजर। इसमें हम बायो फर्टिलाइजर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसमें हम एसेंशियल, मेजर, माइनर एंड बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स पढ़ने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड नेक्स्ट इज रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स एंड डिजीजेस पढ़ने वाले हैं। एंड लास्टली हम सॉइल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ सॉइल साइंस। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन हम करते हैं डिफरेंट टाइप से। फर्स्ट है बेसल डोज। बेसल डोज का मतलब होता है कि इसमें हम फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन करते हैं सोइंग के टाइम पर, और जनरली हम फॉस्फोरस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन बेसल डोज से करते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर स्लोली सॉइल के अंदर रिलीज होते रहते हैं। नाउ सेकेंड मेथड इज डीप प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। डीप प्लेसमेंट फर्टिलाइजर हम पैडी क्रॉप में करते हैं और इसमें हम अमोनियम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। डीप प्लेसमेंट मेथड हम लीचिंग एंड वॉलेटलाइजेशन लॉस से प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। नाउ थर्ड इज स्टार्टर डोज। इन लेग्यूम्स एंड वेजिटेबल्स सीडलिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग अप्लाइड एनपीके 1:2:1 रेशियो। फोर्थ टाइप है स्प्लिट डोजेस ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। जैसा कि हम जानते हैं, मोस्टली जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं, उनको ग्रो होने के लिए 4-5 months लगते हैं। तो इस केस में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन हम दो डोजेस में करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हम सोइंग के टाइम पे करते हैं और सेकेंड एप्लीकेशन हम स्टैंडिंग क्रॉप में करते हैं। सो दिस आर डिफरेंट मैथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है सूटेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर। फर्स्ट पॉइंट है पोटेशियम सल्फेट इज यूज वेयर द क्वालिटी ऑफ क्रॉप इज रिक्वायर्ड बिकॉज KCl रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ क्रॉप। जैसा कि हम जानते हैं, पोटेशियम फर्टिलाइजर का यूज हम पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट के फॉर्म में करते हैं। कॉमन क्रॉप्स में हम KCl का यूज करते हैं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती है उसमें क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए हम पोटेशियम सल्फेट का यूज करते हैं। बट कॉमन क्रॉप्स में हम KCl का यूज करेंगे क्योंकि KCl चीप होता है। सेकेंड पॉइंट है कि राइस क्रॉप के लिए हम अमोनियम सल्फेट का यूज करते हैं। इसका रीजन ये है कि जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं उनमें लीचिंग एंड वॉलेटाइलाइजेशन लॉस ज्यादा होता है। उसी लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम अमोनियम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं राइस क्रॉप में। नेक्स्ट पॉइंट है इन एसिडिक सॉइल रॉक फॉस्फेट एंड SSP इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ DAP, क्योंकि एसिडिक सॉइल में DAP एसिडिटी को और इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल अमोनिकल फर्टिलाइजर आर नॉट रिकमेंडेड बिकॉज दिस अमोनियम फर्टिलाइजर लीड्स टू अल्कलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन सॉइल्स आर यूनिवर्सली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड जिंक, इसीलिए हम क्रॉप्स में नाइट्रोजन का एप्लीकेशन सबसे ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजर ग्रेड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन अ फर्टिलाइजर। नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजर रेशियो इज द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ 3 मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स दैट इज N:P:K। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाटर लॉक सॉइल में हम अमोनियम सल्फेट का यूज करते हैं, ये बेस्ट सूटेबल रहती है।
इसीलिए हम पेडी कल्टीवेशन के लिए भी अमोनियम सल्फेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि पेडी कल्टीवेशन में भी पार्शियली वाटर लॉक सॉइल कंडीशन रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है पोटेशियम क्लोराइड और द MOP इज द मोस्ट कॉमन चीप फर्टिलाइजर अमंग द पोटेसिक फर्टिलाइजर। पोटेसिक फर्टिलाइजर में हम कॉमनली पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्रॉप की क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोटेसिक फर्टिलाइजर इज सुटेबल फॉर एसिडिक एंड हैवी सॉइल बट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एल्कलाइन सॉइल्स। लास्ट क्लास में हमने एसिडिक सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, सेलाइन सॉइल के बीच में डिफरेंस देखा था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया आर सुडोमोनास एंड बैसिलिस। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया एंड नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है नाइट्रोबैक्टर की प्रेजेंस में। नेक्स्ट पॉइंट इज नाइट्रोजन परसेंटेज इन थायोयूरिया इज 36.8%। देन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स आर AM एंड NSERV। नेक्स्ट पॉइंट है इन एनएरोबिक सॉइल्स सल्फेट आर रिड्यूस टू हाइड्रोजन सल्फाइड बाय द एक्शन ऑफ डीसल्फोविब्रो बैक्टीरिया एंड एलिमेंटल सल्फर व्हेन अप्लाइड टू द सॉइल इज कन्वर्टेड टू सल्फर बाय थायोबैसिलस स्पीशीज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है बायो फर्टिलाइजर और बायो इनोक्यूलेंट्स। जैसे कि इस टर्म से पता चल रहा है बायो फर्टिलाइजर मतलब कुछ ऐसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली दे प्रोवाइड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये जो बायो फर्टिलाइजर है इनका एप्लीकेशन हम डायरेक्टली सीड में भी कर सकते हैं और सॉइल में भी कर सकते हैं। जब भी हम सॉइल में बायो फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं तो ये सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर इंक्रीज कर देता है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट है उनकी एक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई। न्यूट्रिएंट सप्लाई के बेसिस पे हम बायो फर्टिलाइजर को टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब्स एंड फॉस्फोरस फिक्सेशन माइक्रोब्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, फ्री लिविंग, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक एंड सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उसे हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। इसे हम नॉन बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है एजेटोबैक्टर क्रोकम एंड एजेटोबैक्टर वाइनफेंडी। ये बैक्टीरिया टेम्परेट जोन सॉइल में मिलते हैं जिसका pH 6.5 से 8 की रेंज में होता है। इसके अलावा ट्रॉपिकल सॉइल में बेजरनीकिया माइक्रोब ऑर्गेनिज्म मिलता है जो 5-9 pH सॉइल कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है। सेकेंड टाइप है एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रिडियम। क्लॉस्ट्रिडियम 5-9 की pH रेंज को टॉलरेट कर सकता है। ये जो एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरियाज हैं ये पर ईयर 5-20 kg ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स करते हैं। इसका एप्लीकेशन करने के लिए हम 5-ton फार्मयार्ड मैन्योर में 3-5 kg ऑफ इन बैक्टीरियाज को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सेकेंड टाइप इज एसोसिएटिव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो एरोबिक एसोसिएटिव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इज एजोस्पाइरुलम। इट इज एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ ग्रासेस इनसाइड द रूट सिम्बायोसिस। इट इज यूज्ड फॉर सॉर्गम एंड पर्ल मिलेट क्रॉप। नाउ थर्ड टाइप इज सिम्बायोटिक फिक्सेशन। एग्जाम्पल ऑफ नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया इज राइजोबियम। राइजोबियम इज एन एरोबिक एंड हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इट सिम्बायोटिकली फिक्सेस द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन विद द प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम रूट्स। यहाँ पे कुछ कॉमन राइजोबियम के बायोस्ट्रेन्स दिए हैं, इनकी स्पीशीज दी हैं। फर्स्ट इज राइजोबियम मेलिलोटी। इट इज इनोक्यूलेटेड विद मेडिकागो, ट्राइगोनेला एंड मेलिलोटस। सेकेंड स्पीशीज है राइजोबियम ट्राइफोली। इट इज एसोसिएटेड विद ट्राइफोलियम और बर्सीन।
Third is Rhizobium leguminosorum. It is associated with pea and lentil. Fourth is Rhizobium fasciolli. It is associated with fasciolus. And fifth is Rhizobium japonicum. It is associated with soybean, cowpea, groundnut and sun hemp. Second is Actinomycetes from the genus Frankia and Cassiunius elder. Now second type hai without nodule forming. Example of without nodule forming symbiotic fixing bacteria are Anabina azoli. It is having symbiotic association with water fern. Azolla pinnata. Anabina is habits in the cavities in the leaves of floating fern. Azolla pinnata. Now second topic aata hai phosphorus fixation. It includes both the phosphorus solubilizer and phosphorus absorber. PSP culture should be used in soil because continuous use of DAP and NPK creates problem like sulfate and phosphate residues in soil. So PSP solubilizes them. Continuously chemical fertilizer ka use karne ki wajah se soil ke andar fertilizer accumulate ho jate hain. जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है. इसके लिए हम इन बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को फिक्स करता है और सॉल्युबलाइज करता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है सीड इनोक्यूलेंट्स. जब भी हम बायोफर्टिलाइजर का एप्लीकेशन सीड ट्रीटमेंट के लिए करते हैं इसे हम सीड इनोक्यूलेंट्स बोलते हैं. और ये सीड इनोक्यूलेंट्स का यूज़ हम कैसे करते हैं समझते हैं. इसके लिए हम एक राइजोबियम कल्चर प्रिपेयर करते हैं. इसमें एक पैकेट के अंदर 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर प्रेजेंट होता है और 1 हेक्टेयर लैंड के लिए हम ऐसे 3 पैकेट्स का यूज़ करते हैं. इसके बाद हम वाटर को बॉईल करते हैं. साथ में हम 300 ग्राम जैगरी और गुड़ को ऐड कर देते हैं. इसके बाद बॉईल करने के बाद हम इसे कूल कर देते हैं. एंड कूल करने के बाद हम राइजोबियम का जो इनोक्यूलम था वो पैकेट से इसके अंदर ऐड कर देते हैं. ऐड करने के बाद ये एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है और इस सॉल्यूशन को हम सीड के ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं और सीड के साथ में मिक्स कर सकते हैं. सेकंड है सॉइल इनोक्यूलेंट्स. जिन बायोफर्टिलाइजर का यूज हम सॉइल में करते हैं उसे हम सॉइल इनोक्यूलेंट्स बोलते हैं. इसके लिए हम एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरम का यूज करते हैं. इसके अलावा हम फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया को भी यूज कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 2 kg पर हेक्टेयर. इन बैक्टीरियम कल्चर को हम FIM के साथ ऐड करते हैं एंड इन्हें मिक्स करने के बाद हम इसे सॉइल के अंदर ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं बिफोर द ट्रांसप्लांटिंग. नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी. राइस फील्ड के अंदर हम ब्लू ग्रीन एल्गी को यूज करते हैं जो नाइट्रोजन अप्लाई करती है 20-25 kg पर हेक्टेयर. नेक्स्ट पॉइंट है राइजोबियम इंक्रीजेस द यील्ड बाय 25-30% इन द सक्सीडिंग क्रॉप. लेग्यूम के बाद जो भी हम नेक्स्ट क्रॉप लगाते हैं उसमें राइजोबियम की वजह से 25-30% यील्ड इंक्रीज हो जाती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दिस आर माइक्रो फ्लोरा एंड माइक्रो फौना. Flora means plants and fauna means animals. Example of microflora are bacteria, fungi, actinomycetes and algae. This bacteria can grow well within the pH range of 6.5-8 और fungi acidic range में ज़्यादा grow करते हैं that is 4.5-6.5 pH में. इसके साथ में जो actinomycetes हैं वो slightly alkaline condition में grow करते हैं और ये एल्कलाइन कंडीशन को प्रेफर करते हैं. द ऑर्डर ऑफ माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट्स इन पर ग्राम ऑफ सॉइल इज जनरल सॉइल में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, देन एक्टिनोमाइसिटीज, उसके बाद फंजाई एंड देन एल्गी. एसिडिक सॉइल में सबसे ज़्यादा फंजाई ग्रो करती है, देन बैक्टीरिया, देन एक्टिनोमाइसिटीज और फिर एल्गी. एंड एल्कलाइन सॉइल में सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं एक्टिनोमाइसिटीज, देन बैक्टीरिया एंड देन फंजाई. ये सीक्वेंस हमें याद रखना होगा. सेकेंड इज सॉइल माइक्रोफोना. दिस आर प्रोटोजोआ, अर्थवर्म्स एंड नेमेटोड्स. नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स यूज्ड फॉर द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इंडिकेटर. इन्हें हम इंडिकेटर प्लांट्स बोलते हैं. इंडिकेटर प्लांट्स का मतलब होता है ये प्लांट्स
सॉइल में जिस भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है ये उसे इंडिकेट कर देते हैं। फर्स्ट है कॉलीफ्लावर एंड केबेज, ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। सेकंड है मस्टर्ड, ये फास्फोरस की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। थर्ड है पोटैटो फॉर पोटेशियम डेफिशिएंसी। नेक्स्ट इज कॉलीफ्लावर एंड केबेज, इट इंडिकेट्स द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड नाइट्रोजन बोथ। नेक्स्ट है शुगर बीट और टर्निप, इट इंडिकेट्स द डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम। नेक्स्ट है सनफ्लावर, इट इंडिकेट्स द डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन। एंड लास्ट इज सोरगम, इट इंडिकेट्स द डेफिशिएंसी ऑफ फेरस। ये इंपॉर्टेंट है, हमें मेजर न्यूट्रिएंट्स के इंडिकेटर प्लांट्स पता होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स को हम जनरली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्लासिफाई करते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें 100 ppm से भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स के लिए। दीज आर बेसिक न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल ऑफ बेसिक न्यूट्रिएंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। एंड एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आर कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। सेकेंड है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट्स के अंदर 100 ppm से कम होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस एलिमेंट्स और द ऑलिगो एलिमेंट्स। देयर एग्जाम्पल आर आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, क्लोरीन एंड मॉलिब्डिनम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स विच आर इमोबाइल इन सॉइल, कैल्शियम एंड बोरोन। न्यूट्रिएंट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी एक्सचेंज इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है केटायन न्यूट्रिएंट्स एंड एनायन न्यूट्रिएंट्स। केटायन न्यूट्रिएंट्स का मतलब है जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव आयन्स फॉर्म करते हैं, दैट इज पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर एंड जिंक। सेकेंड आता है एनायन न्यूट्रिएंट्स। एनायन न्यूट्रिएंट्स का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज फॉस्फोरस, बोरोन, मॉलिब्डिनम, क्लोरीन एंड सल्फेट। एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ एनायन एंड केटायन फॉर्म इज नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन केटायन और एनायन दोनों के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, केटायन में ये अमोनिया के फॉर्म में होता है और एनायन में ये नाइट्रेट और नाइट्राइड की फॉर्म में होता है। एंड नेक्स्ट है नॉन मेटल न्यूट्रिएंट, दैट इज बोरोन। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और क्लासिफिकेशन दिए हैं। फर्स्ट है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। आर्नन एंड स्टाउट ने 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बताए थे, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मॉलिब्डिनम, बोरोन, कॉपर एंड क्लोरीन। एंड नील इज द 17th एसेंशियल एलिमेंट विच इज नोन बाय ब्राउन इन 1987। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। दिस क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी वाज गिवन बाय आर्नन एंड स्टाउट इन 1939। और 1954 में ये जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है इसे रिफाइंड किया गया था। और जब ये क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को रिफाइंड किया गया तब आर्नन ने एसेंशियल एलिमेंट्स के लिए 3 मेन पॉइंट्स दिए थे। ये एनआर सुंडा में नहीं है लेकिन मैंने अरुण काथियान से इसको ऐड किया है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी प्लांट के अंदर एसेंशियल एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है इससे प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू नहीं कर पाता है, प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है कि जब भी प्लांट में एसेंशियल एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम प्लांट को सेम एलिमेंट प्रोवाइड करेंगे तभी हम उस डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं। अगर हम उस पर्टिकुलर एसेंशियल एलिमेंट के अलावा कोई और एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। एंड थर्ड पॉइंट आता है कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स के लिए डायरेक्टली न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है लीबेक लॉ ऑफ मिनिमा। दिस लॉ ऑफ मिनिमा वॉज गिवन बाय जस्टिस वॉन लीबेक इन 1840। लॉ ऑफ मिनिमा का मतलब होता है
जब भी प्लांट्स के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है तो उस केस में प्लांट की ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अलावा प्लांट्स में सभी एलिमेंट्स एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, स्टिल प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट। नाउ सेकंड टाइप का आता है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। इट इंक्लूड्स फोर एलिमेंट। दिस आर वेनेडियम, सिलिकन, कोबाल्ट एंड सोडियम। थर्ड इज फंक्शनल न्यूट्रिएंट। द टर्म फंक्शनल न्यूट्रिएंट वाज प्रपोज्ड बाय डीजे निकोलस इन 1963। फंक्शनल न्यूट्रिएंट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट दोनों को इंक्लूड किया जाता है। इसीलिए फंक्शनल न्यूट्रिएंट का टोटल होता है 20, 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है एसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फॉर्म ऑफ अवेलेबिलिटी। ये जो एसेंशियल एलिमेंट है ये सॉइल या फिर प्लांट्स में किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट है मेजर न्यूट्रिएंट्स। मेजर न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्लांट्स में कार्बन का परसेंटेज होता है 45, हाइड्रोजन का होता है 6% एंड ऑक्सीजन का होता है 45%। प्लांट्स कार्बन को CO2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, हाइड्रोजन को H2O वाटर की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन को वाटर एंड ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में फर्स्ट आता है नाइट्रोजन। प्लांट्स में नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 1.5%। प्लांट्स मेनली नाइट्रेट और अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। सेकेंड आता है फॉस्फोरस। प्लांट्स में 0.2% फॉस्फोरस प्रेजेंट होती है और ये H2PO4- एंड HPO4-2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट आता है पोटेशियम। प्लांट्स में 1.0% पोटेशियम का प्रेजेंट होता है और ये K+ की फॉर्म में से एब्जॉर्ब करता है। नाउ सेकेंड आता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट का एग्जांपल है कैल्शियम। प्लांट्स में 0.5% कैल्शियम प्रेजेंट होता है और ये कैल्शियम +2 आयन की फॉर्म में से एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। प्लांट्स में 0.2% मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है एंड प्लांट्स इसे मैग्नीशियम +2 आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। थर्ड है सल्फर। प्लांट्स में 0.1% सल्फर प्रेजेंट होता है और प्लांट्स में सल्फर एब्जॉर्ब होता है SO2 गैस में और सल्फेट आयन की फॉर्म में। नाउ सेकेंड टाइप है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में फर्स्ट एलिमेंट है आयरन। प्लांट्स में 0.01% आयरन प्रेजेंट होता है और प्लांट्स इसे Fe2 एंड Fe+3 की फॉर्म में से एब्जॉर्ब करता है फेरस एंड फेरिक की फॉर्म में। सेकेंड है जिंक। जिंक 20 ppm में प्रेजेंट होता है और प्लांट्स इसे Zn+2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीज। प्लांट्स में 50 ppm मैग्नीज प्रेजेंट होता है और इसे प्लांट्स Mn+2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट आता है बोरोन। बोरोन 20 ppm कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है और प्लांट्स इसे बोरिक एसिड की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है कॉपर। प्लांट्स इसे Cu+2 आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स में कॉपर 6 ppm प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है मॉलिब्डेनम। प्लांट्स में मॉलिब्डेनम का कंसंट्रेशन होता है <1 ppm और प्लांट्स इसे एब्जॉर्ब करते हैं मॉलिब्डेनम O4-2 की फॉर्म में। नेक्स्ट है क्लोरीन। प्लांट्स में 100 ppm कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है क्लोरीन का और प्लांट्स इसे क्लोरीन आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। लास्ट एलिमेंट है निकल। प्लांट्स में 0.1 to 1 ppm परसेंटेज निकल प्रेजेंट होता है और निकल Ni+2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दो पॉइंट गिवन है। एसिडिक सॉइल में फॉस्फोरस डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और एल्कलाइन सॉइल में फॉस्फोरस फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट दिया है ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है इनकी एक रिड्यूस्ड फॉर्म होती है और एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है, जैसे कि Fe+2, Fe+3, Mn+2, Mn+3। जो हायर वैल्यू होती है आयन की उसे हम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बोलते हैं और Fe+2, Mn+2 फॉर्म को हम रिड्यूस्ड फॉर्म बोलते हैं। तो प्लांट्स जनरली न्यूट्रिएंट्स को रिड्यूस्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है।
नेक्स्ट यहाँ पे एक चार्ट गिवन है जिसमें इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, उनके कंपाउंड्स और रेटिंग दी गई है, इसे आप एक बार रीड कर लेना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर हम कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के रोल और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर दिखता है एंड नाइट्रोजन एनकरेज करता है प्लांट्स की वेजिटेटिव ग्रोथ को। इसके साथ में नाइट्रोजन एक एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है प्रोटीन का। प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके साथ में सेल प्रोटोप्लाज्म, क्लोरोफिल, कोएंजाइम्स में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एंड नाइट्रोजन ऑक्सिन हार्मोन को सिंथेसाइज करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस प्लांट में जो लोअर लीव्स होती हैं उनमें येलो कलर देखने को मिलता है। प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसके टिप्स येलो होना स्टार्ट कर देते हैं और वी शेप्ड की क्लोरोसिस दिखती है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट्स में स्टारवेशन एंड बुटोनिंग डिजीज होती है। ये बुटोनिंग डिजीज कॉलीफ्लावर में देखने को मिलती है। कॉलीफ्लावर के अंदर जो कर्ड्स होते हैं, कर्ड हम बोलते हैं कॉलीफ्लावर में जो एडिबल पार्ट होता है उसके फ्लावर को, तो बुटोनिंग डिजीज का मतलब होता है जो कॉलीफ्लावर का जो फ्लावर है वो डेवलप नहीं कर पाता है और स्मॉल रह जाता है। नाउ सेकेंड एलिमेंट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस प्लांट के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। इसके साथ में सेल फॉर्मेशन और रूट डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। ग्रेन फॉर्मेशन और ग्रेन्स के मैच्योरिटी के लिए भी फॉस्फोरस एलिमेंट एसेंशियल होता है। इसके साथ में फॉस्फोरस न्यूक्लिक एसिड और फाइटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड इसे हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, इसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस को हम की ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर फॉस्फोरस के डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाता है। इसके साथ में जब भी प्लांट्स के अंदर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस टाइम पे प्लांट्स रेड पर्पलिश कलर की सिम्टम शो करता है और जो ओल्डर लीव्स होती हैं उनकी बॉर्डर्स पे ब्रॉन्ज कलर दिखता है। फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट्स के अंदर सिकल लीफ डिजीज होती है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट है पोटेशियम। प्लांट्स पोटेशियम के प्लस की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं और पोटेशियम आयन स्टोमेटा रेगुलेशन के लिए, स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए हेल्प करता है। पोटेशियम आयन डिजीज टॉलरेंट और ड्रॉट टॉलरेंट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। फ्रूट्स की क्वालिटी के लिए पोटेशियम रेस्पॉन्सिबल होता है। साथ में पोटेशियम शुगर का ट्रांसलोकेशन और फॉर्मेशन करता है। पोटेशियम आयन क्लोरोफिल का भी फॉर्मेशन करता है एंड इन प्लांट्स पोटेशियम ऑल्सो रिड्यूस द ट्रांसपीरेशन रेट एंड इंक्रीज द फोटोसिंथेटिक रेट। इसे हम स्ट्रेस अवॉइडर बोलते हैं। जब भी प्लांट्स के अंदर स्ट्रेस कंडीशन होती है, प्लांट के अंदर वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है, तो उस टाइम पे पोटेशियम आयन स्टोमेटा को क्लोज कर देता है जिससे ट्रांसपीरेशन लॉस रिड्यूस्ड हो जाता है। पोटेशियम कैन सिक्रीट 60 एंजाइम्स। नेक्स्ट पॉइंट है द टर्म लक्जरी कंजप्शन इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट दैट डज नॉट इन्फ्लुएंस द यील्ड, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम। प्लांट्स में पोटेशियम के डेफिशिएंसी की वजह से लीव्स पे डेड टिश्यूज और स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ में लीव्स पर मार्जिन्स में बर्निंग अपीयरेंस देखने को मिलता है एंड पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से डाईबैक डिजीज होती है। नेक्स्ट एलिमेंट है कैल्शियम। कैल्शियम प्लांट सेल वॉल के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है एंड दिस कैल्शियम इज इमोबाइल इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैल्शियम के डेफिशिएंसी सिम्टम्स उसके मेरिस्टेमेटिक टिप पोर्शन में देखने को मिलते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से टर्मिनल बड की डेथ हो जाती है और इससे टिप हुकिंग और कर्ल्ड मार्जिन्स ऑफ लीव्स देखने को मिलती है। टिप हुकिंग का मतलब है लीफलेट के जो टिप्स होते हैं वो बेंट हो जाते हैं, हुक लाइक अपीयरेंस देते हैं और लीव्स की मार्जिन्स कर्ल्ड होने लग जाती है। इसके साथ में टोमेटो में ब्लॉसम एंड ड्रॉट डिजीज हो जाती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट एलिमेंट इज मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सेंट्रल एलिमेंट मैग्नीशियम होता है और ये मैग्नीशियम चार नाइट्रोजन एलिमेंट के साथ कनेक्टेड रहता है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से लीव्स अपवर्ड कर्ल होने लग जाती है और कर्ल होने के बाद वो कप जैसी दिखती है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से टोबेको प्लांट में सेंड्रोन डिजीज देखने को मिलती है। सेंड्रोन डिजीज में लीफ का कलर वेट सब चेंज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज सल्फर। सल्फर इज अ एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट इन सम अमीनो एसिड लाइक सिस्टीन एंड मिथायोनीन। सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है थायोबैसिलस। सल्फर ऑयल सीड्स एंड पल्सेस क्रॉप में ऑयल कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज कर देता है। प्लांट्स में जब भी सल्फर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस टाइम पे हम थायो यूरिया को 1 ग्राम पर लीटर से स्प्रे कर सकते हैं स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर। सल्फर डेफिशिएंसी सिम्टम नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के जैसे ही दिखती है और यंग लीव्स इसमें पेल ग्रीन और लाइट येलो कलर की दिखती है। राइस प्लांट में जब भी H2S की एक्सेसिटी हो जाती है तो उस टाइम पे एक्योकी नाम की डिजीज होती है। एक्योकी डिजीज में रूट रॉटनिंग होती है एंड टी प्लांट में टी येलो डिजीज होती है सल्फर की डेफिशिएंसी की वजह से। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट है आयरन। आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बिकॉज इट इज अ कैटलिस्ट ऑफ क्लोरोफिल सिंथेसिस। आयरन को हम ऑक्सीजन कैरियर बोलते हैं। आयरन एक्ट एज एंजाइम इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से इंटरवीनल क्लोरोसिस देखने को मिलता है। इसमें लीव्स की जो मेन वीन होती है वो ग्रीन कलर की होती है बट जो इंटरवीनल होती है वो येलोइश कलर की दिखती हैं एंड लीव्स के मार्जिन बर्नड अपीयरेंस देते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से यंग लीव्स येलो कलर की दिखती हैं। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट है मैग्नीज। मैग्नीज क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करता है। इसके साथ में बहुत सारे एंजाइम्स का एज अ कोफैक्टर वर्क करता है। मैग्नीज की टॉक्सिसिटी की वजह से कॉटन प्लांट के अंदर क्रिंकल्ड लीफ दिखती है। इसमें कॉटन प्लांट की लीव्स रेडिश ग्रे कलर की हो जाती है लेकिन मार्जिन्स और वेन्स ग्रीन कलर की रहती हैं। मैग्नीज की डेफिशिएंसी की वजह से लीव्स के ऊपर डेड स्पॉट देखने को मिलते हैं। इसमें मेन वीन क्लोरोटिक अपेरेंस देता है लेकिन जो स्मॉलर वीन रहती है वो ग्रीन कलर की होती हैं। मैग्नीज डेफिशिएंसी की वजह से शुगर केन के अंदर पहला ब्लाइट डिजीज होती है। बार्ली और ओट में ग्रे स्पाइक डिजीज होती है एंड पी के अंदर मार्श स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट है कॉपर। कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से यंग लीव्स की टिप्स और मार्जिन्स क्लोरोटिक दिखती हैं। कॉपर इज अ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ प्लास्टोसाइनिन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए कॉपर एक इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल रोल प्ले करता है। रोजेटिंग एंड एक्सेस गमी अकर्स ड्यू टू कॉपर डेफिशिएंसी। कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से सिट्रस प्लांट के अंदर गुमोसिस एंड ज़ैंथोमेनिया डिजीज होती है एंड कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से अगेन डायबैक एंड रिक्लेमेशन डिजीज होती है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट है बोरोन। बोरोन पोलन जर्मिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोरोन इज द ओनली नॉन मेटल एलिमेंट अमंग द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बोरोन शुगर को ट्रांसलोकेशन करने के लिए इसके साथ में पोलन जर्मिनेशन एंड रिप्रोडक्शन करने के लिए हेल्पफुल रहता है। बोरोन इज कंसर्न्ड विद द वाटर रिएक्शन इन सेल एंड रेगुलेट्स द इनटेक ऑफ वाटर इनटू द सेल। इट मे ऑल्सो एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ पोटेशियम रेशियो एंड कीप द कैल्शियम इनसॉल्युबल फॉर्म विद इन द प्लांट्स। बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से कॉलीफ्लावर के अंदर ब्राउनिंग एंड होलो स्टेम डिजीज होती है। टोबेको के अंदर टॉप सिकनेस एंड एप्पल के अंदर टाइबेक एंड रोजेट डिजीज होती है। रोजेट डिजीज में प्लांट की ग्रोथ स्टंटिंग रहती है और लीव्स की येलोइंग और मोजेक अपीयरेंस रहता है। नाउ नेक्स्ट है बोरोन की वजह से फ्रूट्स क्रैकिंग होती है टोमेटो एंड पोमग्रेनेट के अंदर एंड सिट्रस में हार्ड फ्रूटिंग होती है। ग्रेप्स में हैन एंड चिकन डिजीज होती है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज जिंक। इन प्लांट्स इट इज रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स एंड इट्स डेफिशिएंसी कॉसेस व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, थायराइड डिजीज ऑफ राइस,
little leaf of cotton and apple and mottled leaf of citrus and roseate formation. Next element है cobalt. Cobalt vitamin B12 का important content है. It is essential for a type of hemoglobin in nitrogen fixation nodule tissue known as leg hemoglobin. Cobalt roots के अंदर oxygen carrier जैसे work करता है. And it is also known as animal protein factor. Next element है molybdenum. Plants molybdenum को molybdate की form में absorb करते हैं. Molybdenum is essential component of enzyme nitrate reductase. Molybdenum nitrogen fixation करता है pulses के अंदर. And molybdenum की deficiency की वजह से cauliflower के अंदर whiptail disease होती है. And molybdenum is required for carrot and raffinus for sweetness. Last element is chlorine. Plants chlorine को chlorine ion की form में absorb करते हैं. And legume and tobacco is considered as highly chlorine sensitive crops. Lastly, यहाँ पे कुछ facts और terminologies दी है. तो first fact है कि fruits में boron deficiency की वजह से fruit cracking होती है. It is most common in tomato. Boron deficiency की वजह से बहुत सारी diseases हो सकती है, जैसे कि dieback of apple, top sickness of tobacco, browning and hollow stem of cauliflower. लेकिन इन सभी डिजीजेस में से फ्रूट केकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज है. नेक्स्ट है रिक्लेमेशन डिजीज, ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट टिप. इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर. रिक्लेमेशन डिजीज में क्लोरोसिस और डिस्टोर्शन होता है. नेक्स्ट है सोडियम इज इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ केम प्लांट्स. जिन प्लांट्स में केम साइकिल चलती है, क्रेस्यूलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल चलती है, उसे हम केम प्लांट्स बोलते हैं. इसके एग्जांपल होते हैं पाइनएप्पल, ओपनशिया. तो केम प्लांट्स के लिए सोडियम एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है. देन नेक्स्ट पॉइंट है सिलिकन इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एज मोनोसिलिसिक एसिड एंड इट इज एसेंशियल फॉर राइस. क्योंकि सिलिकन राइस एंड शुगर केन प्लांट में एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज की एक्सेसिटी और टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देता है. नेक्स्ट फैक्ट है पोलन ग्रेन स्टेरिलिटी ऑफ वीट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन. सोडियम इज एसेंशियल फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स. नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोसिस बिटवीन द वीन्स एंड द वीन्स रिमेन ग्रीन. इट शोज द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम. नेक्स्ट पॉइंट है देखो इंटरवीनर क्लोरोसिस आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, बट कंप्लीट इंटरवीनर क्लोरोसिस मैग्नीज डेफिशिएंसी की वजह से होता है, याद रखना. आयरन डिफिशियंसी की वजह से मेन वीन ग्रीन रहती है, बट इंटरवीन्स एंड अदर पोर्शंस ऑफ लीफ टर्न येलो एंड टेंडिंग टुवर्ड्स द वाइटनेस. बट मैग्नीज डिफिशियंसी की वजह से प्रिंसिपल वीन और स्मॉलर वीन्स दोनों ही ग्रीन रहती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है सिलिकन इज एसेंशियल फॉर राइस एंड मेज. अभी मैंने बताया था सिलिकन आयरन मैग्नीज टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देता है. नेक्स्ट पॉइंट है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड द मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स इनटू द ऑर्गेनिक प्लांट कंस्टिट्यूएंट. इट इज नोन एज एसिमिलेशन. फर्स्ट टर्म इज कैटिना. इट इज द एब्सोल्यूट टर्म फॉर अ सीक्वेंस ऑफ सॉइल विद इन अ सॉइल जोन व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम सिमिलर पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेटिक एंड एज, बट हैविंग डिफरेंट सॉइल कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू द वेरिएशन इन रिलीफ एंड इन ड्रेनेज. सेकेंड वर्ड इज कलीचे. इट इज अ पैडोलॉजिकल लेयर नियर द सर्फेस मोर और लेस एलिमेंट सेकेंडरी कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रिसिपिटेटेड फ्रॉम द सॉइल सोल्यूशन. इट इज मोस्टली फाउंड इन ड्राई रीजन्स ऑफ अमेरिका. थर्ड वर्ड है क्लोड. क्लोड का मतलब होता है जब भी सॉइल के अंदर मासेस ऐसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं जिनका साइज 2 to 200 mm का होता है, उसे हम क्लोड बोलते हैं. नेक्स्ट टर्म इज क्रोटोवीना. इट इज अ टिपिकल काइंड ऑफ चैनल इन द सॉइल हॉरिजन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ अर्थवर्म्स एंड अदर एनिमल्स एंड इट इज फिल्ड विथ ऑर्गेनिक मैटर और मैटर फ्रॉम अदर हॉरिजन्स. नेक्स्ट टर्म इज कैट क्ले. कैट क्ले इज अ क्ले सल्फेट विच शाइन्स लाइक कैट्स आई. जिस टाइप से बिल्ली की आईज चमकती है वैसे ही ये कैट क्ले भी शाइन करता है.
It is a wet clay soils have high amount of sulfur in reduced form that upon being drained become extremely acidic due to the oxidation compound and the formation of sulfuric acid. ये इनके important terminologies नहीं है, हमें सिर्फ इसे एक बार read करना होगा. Next term है solem. A और B horizon को combinedly हम solem बोलते हैं. Solem का मतलब होता है true soil. Next term है regolith. जब भी rocks की weathering होती है तो rocks weathered होकर regolith form करते हैं और regolith से soil बनती है. Regolith को हम unconsolidated product of rock बोलते हैं. It includes both A, B, C horizon. Next term है rigosol. Any soil of the azonal order without definite genetic horizon is called as rigosol. Next है organic soil. Organic soil का मतलब होता है ऐसी soil जिसमें 20% से ज़्यादा organic matter present होता है. Next term is mineral soil. Mineral soil में usually 20% से कम organic matter present होता है. These mineral soils are biochemically and physically weathered upper portion of regolith. Generally हम बोलते हैं कि A horizon में सबसे ज़्यादा minerals present होते हैं. Now next term है soil irritability factor. Soil irritability factor gives an indication of soil loss from a unit plot of 22 meter long with a 9% slope under continuous fallow. It normally varies from near 0 to 0.6. Next term has soil irritability. It is the susceptibility nature of soil to erosion. Next term is soil erosivity. Soil erosivity is the capacity of agent to cause the erosion. जिन agents की वजह से erosion होता है उसे हम soil erosivity बोलते हैं. और soil का nature जिसकी वजह से soil का erosion होता है उसे हम soil irritability बोलते हैं. नेक्स्ट हम है सॉइल कोलोइड्स. कोलोइड पार्टिकल का साइज जनरली 1 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है और पार्टिकल्स जो कोलोइड सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं उनका साइज माइक्रोमीटर से नैनोमीटर की रेंज में होता है. नाउ लास्ट हम है मिसेल्स. द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड इज कॉल्ड एज मिसेल्स. दिस कंटेन नेगेटिव चार्जेस ऑन देयर सरफेस and have larger surface area per unit weight. The order of strength of adsorption flocculated soil colloids is aluminium, then hydrogen, calcium, magnesium, potassium and sodium. Sodium में सबसे कम adsorption होता है. Now ये था last lecture soil science का. यहाँ पर हमारी soil science complete होती है. Next lecture में हम horticulture start करेंगे. So stay connected and don't forget to subscribe to our channel. Subscribe to our channel. Subscribe to our channel. Subscribe to our channel.